नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। वक्त हो चुका है 4 बजे की चार बड़ी खबरों की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त फुल एक्शन में है। यूपी में विभागों के प्रेजेंटेशन और तेज किए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज अनेक्षि भवन में धर्मार्थ कार्य, पर्यटन, संस्कृति, भाषा का प्रेजेंटेशन हुआ। प्रेजेंटेशन के दौरान कॉरिडोर निर्माण, अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण, अयोध्या दीपोत्सव, ब्रज रंगोत्सव, काशी की देव दीपावली, विंध्या धाम कॉरिडोर सहित कई निर्माण कार्यों का प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जैन परिपथ और वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म परिपथ उत्तर प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान देने के कार्य को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। उधर शाम 5:30 बजे एनेक्सी भवन में ग्राम विकास, पंचायती राज और राजस्व ग्रामीण अभियंत्रण के साथ नमामि गंगे से संबंधित विभागों का भी प्रेजेंटेशन होगा। अगर बात किया जाए योगी सरकार 2.0 की, तो योगी सरकार 2.0 बनने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है और उनके साथ साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल, उनके जितने भी मंत्री हैं सभी एक्शन मोड में हैं। लगातार सभी अपने कार्यों का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं। पिछले 5 साल में क्या कुछ कार्य हुआ उसका ब्यौरा, उसके साथ ही साथ आगे 100 दिनों का क्या रोड मैप है, किस तरह से कार्य किया जाएगा, उसका भी प्रेजेंटेशन सभी विभाग के संबंधित मंत्रियों को देना है। साथ ही साथ जो निर्माण कार्य है उसका भी प्रदर्शन देना है। इसी बीच जो तमाम तरह के निर्माण कार्यों को लेकर आज भी प्रेजेंटेशन हुआ और इस प्रेजेंटेशन के दौरान कॉरिडोर निर्माण, साथ ही साथ अयोध्या निर्माण, अयोध्या दीपोत्सव, ब्रज रंगोत्सव, काशी की देव दीपावली के साथ साथ तमाम तरह की जो धार्मिक जगह हैं उनके निर्माण को भी लेकर यह प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा जैन परिपथ और वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म परिपथ उत्तर प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान देने के कार्य को लेकर भी प्रेजेंटेशन दिया गया। साथ ही साथ ये निकल करके सामने आता है कि लगातार योगी सरकार 2.0 डेवलपमेंट में रेडी है। संवाददाता नितिन कुमार इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस आज कौन कौन से प्रेजेंटेशन हुए और इस प्रेजेंटेशन से क्या कुछ बातें निकल करके सामने आई हैं? देखिए त्रिशला, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, तब से एक एजेंडा सेट किया गया है और वो एजेंडा ये है कि आखिर आने वाले 100 दिनों में जो भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश में वो क्या काम करने वाले, एजेंडा सेट किया जा रहा है। सारे विभागों की समीक्षाएं की जा रही हैं कि बीते 5 साल में उन्होंने जो काम किया था अब आने वाले 100 दिनों में उस काम को और गति कैसे दी जा सकती है। और उसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 प्रमुख अहम प्रेजेंटेशन देखे हैं, जिसमें पहला तो धर्मार्थ विभाग का है जो पर्यटन विभाग में आता है उससे जुड़ा हुआ है, और इसके अलावा दूसरा है ग्राम विकास और जल शक्ति विभाग की प्रेजेंटेशन है, जिसमें नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट आते हैं, नदियों के जीर्णोद्धार जैसे मामले निकलकर इस प्रोजेक्ट से, इस प्रेजेंटेशन से आते हैं। पहले प्रेजेंटेशन की बात अगर करी जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि खुद धार्मिक व्यक्ति हैं, गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, गोरखनाथ मंदिर से उनका पुराना लगाव है और पीठाधीश्वर रहते हुए उन्होंने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के साथ साथ अभी मुख्यमंत्री के रूप में काशी कॉरिडोर की बात कर ली जाए या अयोध्या की बात कर ली जाए, तो जिस तरह से इन जगहों पर विकास हुआ है, जिस तरह से मंदिर निर्माण अयोध्या में हो रहा है, और इसके अलावा काशी कॉरिडोर एक मिसाल उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 साल में कायम की है, तो उसको और कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर के ये प्रेजेंटेशन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर मथुरा का भी जिक्र किया है। या इसके अलावा अगर कहा जाए तो जितने भी प्रमुख धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश में है वहां पर आरती करने के लिए जो जो बताया जाता है कि जो घाट हैं उनका निर्माण करने की बात की जाए, की गई है। इसके अलावा साधु संतों के रहने के लिए भी कुछ आश्रय स्थलों के निर्माण की बात की गई है। जहां जहां पर मंदिर निर्माण हो रहा है उनको और बेहतर तरीके से निर्माण कैसे कराया जाए इसकी बात की गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में जो कल्चर है, जो नेचर है, उसको विस्तार देकर के उत्तर प्रदेश और देश की खूबसूरती विश्व के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते आए हैं। तो उसी कड़ी में प्रदेश सरकार के इन विभागों को, जिसमें पर्यटन विभाग है और जिसमें कई सारी और प्रमुख जो पर्यटन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं वो आते हैं, तो इन जगहों पर भी कैसे विकास की दृष्टि से विकास को बेहतर करना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, इन पर फोकस किया जाए, और उसी का प्रेजेंटेशन जो था वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी, इन जगहों पर जो भजन संध्या है, भजन
संध्या जो होती है शाम को जो भजन होता है उसके लिए वहां पर भजन स्थल बनाए जाएं, क्योंकि अभी तक वहां पर भजन स्थल नहीं है लेकिन अब वहां पर भजन स्थल बनाए जाए ताकि जो शाम का जो भजन होता है वो उन जगहों पर हो सके, जिससे जो पर्यटन की दृष्टि से लोग आ रहे हैं इन जगहों पर घूमने के लिए या फिर जो सैलानी आ रहे हैं चाहे वो देश प्रदेश से हो, उनको कहीं ना कहीं भजन के तहत ये बताने की कोशिश की जाए कि अगर किसी जगह को धार्मिक नगरी या धार्मिक स्थल कहा जा रहा है तो उस भजन से पिरो करके कैसे उसकी खूबसूरती बिल्कुल को दिखाया बिल्कुल जा सकता नितिन ये तो रही बात उन भजन स्थलों से नितिन ये तो रही बात आगे के रोड मैप की। अगर बात किया जाए प्रेजेंटेशन की तो जब शुरुआती दौर में ही मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए थे कि उन्हें प्रेजेंटेशन चाहिए, साथ ही साथ एक और अहम बात मुख्यमंत्री ने कही थी वो यह कही थी कि पिछले जो बीते 5 साल है उन कार्यकाल का भी उन्हें लेखा जोखा चाहिए, पिछले 5 साल क्या कार्यकाल हुए। बात अगर उस प्रेजेंटेशन की जाए तो पिछले जो कार्यकाल थे, हालांकि कई विभाग के मंत्री भी बदले गए हैं, कई फेर बदल भी हुए, तो पिछले कार्यकाल से क्या कुछ प्रेजेंटेशन निकल के सामने आया है और उस पे क्या प्रतिक्रिया है मुख्यमंत्री की और उसमें किस तरह से और अब इंप्लीमेंट किया जाएगा इंप्रूवमेंट करके। देखिए त्रिशला, आपको मैं बता दूं कि अभी ये जो प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री की तरफ से देखा जा रहा है ये आने वाले 100 दिनों का लेखा जोखा है कि आने वाले 100 दिनों में क्या काम करना है जी। पिछले 5 साल का समीक्षा किया जाएगा और वो समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी नहीं कर रहे हैं, अभी वो सिर्फ आने वाले 100 दिनों का प्रेजेंटेशन। जब पहली मीटिंग हुई थी, जब पहला प्रेजेंटेशन हुआ था तो मुख्यमंत्री ने का ये आदेश था कि 100 दिनों के रोड मैप के साथ साथ आपको ये भी 5 मिनट के अंदर ये भी ब्रीफिंग करनी होगी कि पिछली बार क्या कुछ कार्यकाल हुए, क्या उसको लेकर कोई अपडेट आई, कहीं नाराजगी नजर आ रही है मुख्यमंत्री की या फिर कुछ और इम्प्रूव करके उस पर इम्प्लीमेंट करना, ऐसी कोई खबर अब सामने आ रही है। देखिए मैं आपको बता दूं त्रिशला, सबसे अहम चीज ये है कि पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 दिन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, उन्होंने सभी विभागों को और सभी मंत्रियों को ये हिदायत दी है कि 100 दिन का प्रेजेंटेशन बनाइए। हुआ क्या है कि जो पुराने विभाग थे पुराने मंत्रियों के पास, कई सारे मंत्री बदले गए हैं, कुछ चुनाव हार गए हैं, कुछ विभागों के अधिकारियों के रिटायरमेंट के करीब है वो तो रिटायर भी हुए हैं, तो ऐसे में जो नए लोग जो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उनसे 100 दिन का प्रेजेंटेशन मांगा गया था कि आने वाले 100 दिन में वो क्या काम करेंगे। बात रही समीक्षा की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, तो उस दौरान सारे विभागों की समीक्षा भी देखी जाती है कि किस विभाग में कितना काम पिछले 5 साल में किया गया है और उसमें आने वाले दिनों में किस तरह से क्या क्या प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगाई जा सकती है या किन प्रस्ताव पर उस कैबिनेट बैठक के दौरान मोहर लगेगी, ये उस दौरान चर्चा होती है। लेकिन आज या फिर अभी बीते दिनों में अगर हम देखें या आने वाले दिनों में देखेंगे तो ये जो प्रेजेंटेशन का सिलसिला चल रहा है इसमें साफ तौर पर इस चीज पर चर्चा हो रही कि आने वाले 100 दिनों में विभाग या उस विभाग से संबंधित अधिकारी नेता मंत्री ने अपना प्रेजेंटेशन क्या तैयार किया है कि आने वाले 100 दिनों में विभाग किस दृष्टि में काम करेगा, वो अपना प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश करते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश जो तैयार किए गए हैं, उनकी टीम की तरफ से जो दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं कि आखिर इन विभागों को किन-किन चीजों पर काम करना है। जैसे सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं, आज ग्राम विकास विभाग की भी एक बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर मनरेगा की तारीफ की है कि उन्होंने ये कहा है कि जब कोविड के दौरान लोगों के रोजगार छीने थे तो उस दौरान मनरेगा ने बेहतर तरीके से काम किया था और आने वाले दिनों में मनरेगा, क्योंकि ये तो समीक्षा की बात हो गई और दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि आने वाले 100 दिनों में मनरेगा के तहत जो नदियों का जीर्णोद्धार है उसे भी किया जाए, मतलब नदियों का विस्तार किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें ग्राम विकास विभाग के तहत उन्होंने पिछले 5 साल की अगर बात करी जाए तो उन्होंने जिस तरह से कोविड के दौरान लोगों तक राशन पहुंचाया गया था, चीजें पहुंचाई गई थी, उसकी भी तारीफ की है और यह कहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें। और अहम चीज यह भी उन्होंने कही कि आने वाले 100 दिनों के लिए जो रोडमैप तैयार हो रहा है उस रोडमैप पर काम करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो संबंधित अधिकारी है, चाहे वो BDO हो गया, चाहे वो लेखपाल हो गया, ये जो संबंधित अधिकारी इस विभाग के हैं वो अपने जिले में ही रहे, अपने ब्लॉक में ही रहे, रात्रि विश्राम अपने ब्लॉक में करें, लगातार जनता से मुखातिब होते रहे, जनता से मुलाकात करते रहे, ताकि आने वाले 100 दिनों में जो प्रेजेंटेशन तैयार किया जा रहा है जिस भी विभाग के अधिकारियों की तरफ से प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री को सौंपा जा रहा है या मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन करके देख के उन्हें ये चीजें बता रहे हैं कि कैसे 100 दिनों में क्या क्या काम करना है, वो तभी संभव हो सकता है जब उस विभाग के संबंधित अधिकारी अपने क्षेत्र में लगातार बने रहेंगे। और ये हिदायत आज ग्राम विकास
विकास विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है कि बीडीओ और संबंधित अधिकारी जितने भी हैं ग्राम विकास के, वो अपने क्षेत्र में बने रहे। तो समीक्षा जो हो रही है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान देखते हैं, और आज प्रेजेंटेशन के दौरान भी कहीं ना कहीं उन चीजों को जोड़ करके, उसकी तारीफ करके आगे का जो एजेंडा है वो सेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नितिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने मास्क लगाने के साथ स्कूलों में बच्चों और लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और दिल्ली NCR में भी कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2066 नए केस मिले हैं, जबकि 40 लोगों की मौत हुई है। तो एक बार फिर से जिस तरह से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। वहीं इस बार के अगर नई वेरियंट XE की बात करें तो नया जो वेरियंट XE आया है, XE बच्चों को ज़्यादा संक्रमित कर रहा है। 12 वर्ष या फिर 12 वर्ष के अंदर के जो बच्चे हैं उनमें संक्रमण ज्यादा देखने को मिल रहा है। कई स्कूल और कॉलेजेस में भी बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। अभी स्कूल और कॉलेजेस खुले ही थे, बच्चों का जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों की पढ़ाई अभी पटरी पर आई ही थी कि फिर से कोविड के जो केसेस आ रहे हैं वो अभिभावकों की जो चिंता है उसे बढ़ा रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान कई जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए, जैसे कि बूस्टर डोज जो है वो तेजी से लगाए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, मास्किंग अनिवार्य कर दिया गया है, और कहीं भी अगर संक्रमण पाया जाता है तो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको भी बढ़ाने के नए दिशा निर्देश दिए हैं। एक जो पूरी स्ट्रेटजी है वो बनाई जाए, टीम 9 की बैठक में सारी बातें निकल के सामने आई है कि पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि इस बार कोविड की अगर अगली लहर आती भी है तो किस तरह से जो आवाम है, जो जनता है, उसे सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था के इंतजाम हो। संवाददाता विभांशु उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज जो टीम 9 की एक अहम बैठक हुई है, हम सबसे पहले जानने चाहेंगे कि क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से। आपको बता दें कि प्रदेश में चौथी लहर की आशंका के बीच आज मुख्यमंत्री के द्वारा बनाई गई कोविड प्रबंधन की टीम 9 की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम ऐसे निर्देश दिए गए जिससे कोविड अगर आगे प्रकोप अपना उसका जारी करता है तो कहीं ना कहीं से रोकथाम पाया जा सके। उसी क्रम में आज मुख्यमंत्री की तरफ से टीम 9 के लेवल में ये निर्देश दिए गए हैं कि NCR समेत जो 6 जिले हैं और राजधानी लखनऊ को जोड़ के देखा जाए तो 7 जो जिले हैं जहां कोविड के मामले में उछाल देखने को मिला है, इन सब जगहों पे कहीं ना मास्क लगाने को अनिवार्य किया गया है। और जो कोविड की गाइडलाइन होती है, चाहे हाथ धोने की हो, चाहे एक उचित दूरी जो बनाने के निर्देश दिए गए थे उनकी पालन को लेकर आज एक निर्देश दिए गए कि इन तमाम जगहों पे मास्क को पालन करवाया, साथ ही साथ जो सामाजिक स्थल है और स्कूल है उनको भी गाइडलाइन जारी करके उनको भी निर्देश दें कि जो छात्र आ रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनको पूरी सुरक्षा दी जाए और कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए। वही मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में हो रहे कोविड के मामलों में बढ़ोतरी को देखकर ये बैठक बुलाई थी। उसी क्रम में आपको बता दें मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जो प्रदेश भर में बूस्टर डोज के जो अगर बात की जाए तो अगर वैक्सीनेशन की तो वैक्सीनेशन लगभग 30 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है। अब लगभग अगर बात करें तो प्रदेश की आधी आबादी पहली डोज पा चुकी है। और वही मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जो भी अभी बूस्टर डोज नहीं लगवाए हैं, साथ ही साथ जो दूसरी डोज नहीं लगवाए हैं उन्हें लगाने के लिए उन्हें जागरूक किया जाए, साथ ही साथ जो सेंटर बनाए गए हैं उस सेंटर पे सुचारू ढंग से लोगों के वैक्सीनेशन किए जाए। वहीं आपको बता दें कि बच्चों की वैक्सीन की अगर बात करें तो 100% बच्चों की लगा दी है। वहीं दूसरे डोज को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, उससे भी तेजी के साथ
कहा जाए और उसमें फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे काम किया था, चाहे बात की जाए इलेक्शन कमीशन में ड्यूटी करने वाले पीठासीन अधिकारियों की, चाहे बात की जाए उसमें सुरक्षा के तैनात जवानों की, सबको बूस्टर डोज लगाया गया था। उसी क्रम में अब आम नागरिक को भी बूस्टर डोज की जो लगाने की क्रिया थी उसको तेजी करने की बात कही गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। बिल्कुल विभांशु, ये सारे नए दिशा निर्देश दिए गए हैं टीम 9 की बैठक में। अगर बात किया जाए नए वेरिएंट की, एक्सी जो नया वेरिएंट आ रहा है विभांशु, ये बेहद खतरनाक साबित हो रहा है बच्चों के लिए, जो 12 वर्ष के एज कैटेगरी के बच्चे हैं। तो विभांशु, बच्चों के जो बूस्टर डोज है, आपको क्या लगता है कि कितनी और तेजी से बच्चों के बूस्टर डोज देनी चाहिए, बच्चों की जो वैक्सीनेशन है और कितनी तेजी से करवानी चाहिए, क्योंकि इस बार बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं विभांशु? जी त्रिशला, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की तरफ से आज साफ निर्देश दिए गए हैं कि 84% डेटा शेयर किया है कि 84% बच्चों की पहली डोज वैक्सीन लग चुकी है। वहीं अभी मुख्यमंत्री की तरफ से आज कहा गया है कि दूसरी डोज लगाने की प्रक्रिया भी तेजी से चलाई जाए, और वहीं 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके बूस्टर डोज के लगाने की क्रिया तेज। अगर अब बच्चों की बात करें तो स्कूल प्रशासन को एक साफ तौर पर इस चीज का पालन करवाना चाहिए कि जो छात्र अगर देखें तो क्लास में काफी क्राउड होता है, जिसके चलते जो वायरस का फैलाव है वो कहीं ज्यादा स्कूल और तमाम मार्केट और इन सब जगहों पे देखने को मिलता है। तो प्रशासन और स्कूल प्रशासन को कहीं ना कहीं जागरूकता के तहत बच्चों को जागरूक करना चाहिए, साथ ही साथ मार्केट एवं तमाम जगहों पे मास्क अनिवार्य करने की बात कही जानी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो 3 दिन पहले मास्क राजधानी लखनऊ समेत 7 जिलों में अनिवार्य कर दिया गया, मगर अगर देखें सड़कों पे तो अभी भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो कल 1 लाख जिसमें 170 पॉजिटिव आए। वहीं अगर बात की जाए प्रदेश में कोविड की संख्याओं की तो लगभग 800 से ऊपर केस उत्तर प्रदेश में है। तो अभी अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का निर्देश के पालन करते हुए लोगों को इस चीज को मानना चाहिए और कोविड जो धीरे धीरे फैल रहा है उसको रोकने के प्रयास करना चाहिए। विभांशु, ये तो रही बात नए दिशा निर्देश की, तमाम तरह के प्रिकॉशंस की। वहीं अगर बात किया जाए तो कुछ काफी वक्त बाद जो बच्चे हैं उनका जो पढ़ाई है, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, वो पटरी पे आया ही था कि दोबारा से अब लोगों को कोरोना के कहर का डर सताने लगा है। ऐसे में जो स्कूल प्रशासन है, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको किस तरह से प्रिकॉशन लिया जाए और किस तरह से उन्हें सुरक्षित रखा जाए कि अभिभावकों को जो डर सता रहा है कि उनके बच्चों का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो रहा है। आपने देखा होगा कि बच्चे पास आउट हुए, बच्चे ग्रेजुएट हुए, नौकरियों के लिए लोग परेशान है, तो किस तरह से प्रिकॉशन उन बच्चों के लिए लिया जाए, या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके लिए किस तरह के प्रिकॉशंस लिया जाए कि वो निश्चिंत होकर अपने स्कूल या कॉलेज जा सके और पढ़ाई कर सके अपनी? जी त्रिशला, जैसे आपने पिछली बार देखा कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही थी, मगर वो कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे थे उनके लिए कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि वो उतने सीरियस मोड में नहीं रहते थे पढ़ाई को लेकर। तो अगर बात करें तो कोविड के तीसरे लहर के बाद, अब प्रकोप के बाद, अब स्कूल खुले तो कहीं ना कहीं अगर देखो तो स्कूली प्रशासन को पूरी सावधानी के साथ बच्चों के सैनिटाइजेशन एवं अगर एक बात करें तो जो क्लासरूम है उसमें एक उचित दूरी के साथ डेस्क लगाए, साथ ही साथ वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को स्कूल के अंदर मास्क अनिवार्य करें, और मास्क न लगाने पर उन्हें स्कूल प्रशासन ने उन्हें फटकार भी लगाया और बच्चों को जागरूक भी करें कि आप मास्क लगा के बैठे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर देखें तो रोस्टर के हिसाब से भी छात्रों को बुलाने जाने की क्रिया भी की जा सकती है। अगर कोविड का प्रकोप ऐसे धीरे धीरे अन्य प्रदेशों के आधार पर जैसे बढ़ रहे हैं वैसे उत्तर प्रदेश बढ़ते हैं, तो रोस्टर के हिसाब से भी प्रशासन स्कूल प्रशासन बच्चों के स्कूल चला सकता है। जैसे रोल नंबर क्या था, पहले बच्चों के अगर कक्षा की संख्या है तो 20-20 को बुलाकर कक्षाएं संचालित की जा सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से छात्र कहीं ना कहीं परेशान, और अगर देखें तो वो उस तरह से वो कक्षाओं में नहीं सम्मिलित हो पाते थे जैसे ऑनलाइन में सम्मिलित हो रहे थे और वर्चुअल तरीके से सम्मिलित होते हैं, तो कहीं ना कहीं छात्रों इससे परेशान थे। और इनकी अगर देखें तो इन पूरी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए स्कूली प्रशासन को स्कूल चलाना चाहिए, और कोरोना में जो भी गाइडलाइन दिए जा रहे हैं चिकित्सक और अधिकारियों के द्वारा उसको पालन को लेकर सख्ती से उसको पालन करवाना चाहिए। बिल्कुल विभांशु, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से बच्चे सुरक्षित है, क्या अगली लहर आती है या फिर नहीं आएगी, ये तो आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। इसके लिए इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और अवैध निर्माण को गिरवाने के लिए 9 जेसीबी मंगाई गई थी। आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया, हालांकि यह कार्रवाई 2 घंटे तक चल सकी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दिया, लेकिन आधिकारिक आदेश मिलने तक एमसीडी ने तोड़फोड़ जारी रखी। इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होगी। अतिक्रमण के खिलाफ 2 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलाने का ऐलान किया गया था। इस कार्रवाई को देखते हुए करीब 1500 जवान भी तैनात किए गए थे और साथ ही साथ अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के दौरान इलाके में लोगों ने इसका विरोध भी किया था। आपको बता दें कि हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होने के बाद से ही लगातार जहांगीरपुरी में हिंसा भड़का हुआ था, जिसको देखते हुए जो अवैध अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया गया था, बुलडोजर चलाया जा रहा था। साथ ही साथ 20-21 तारीख को बुलडोजर चलाने का दिन जो है वो कंफर्म किया गया था, लेकिन उसके पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, जिसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो आधिकारिक आदेश मिलने तक एमसीडी ने तोड़फोड़ अपनी जारी रखी, जिसको लेकर वहां के स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा भी देखने को मिला था। संवाददाता प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहांगीरपुरी की और अधिक जानकारी के साथ। प्रवीण, जिस तरह से वहां के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी आधिकारिक आदेश न मिलने तक तोड़फोड़ जारी था, तो वहां के लोगों में किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बता दूं, जिस तरह से ये विवाद जिस तरह से बढ़ा, जो एक शोभा यात्रा को लेकर जो हिंदू शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उसको लेकर एक विवाद बढ़ा था काफी समय, और काफी बड़ा विवाद बन गया दिल्ली का खासतौर पे। आपको बता दूं कि जो एमसीडी द्वारा जो बुलडोजर लेके आए गए थे वहां पर, तो कहीं ना कहीं तोड़फोड़ करने के इरादे से सब लोग आए थे, लेकिन उनके पास कोई आदेश नहीं था। वहीं बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने एक आदेश जारी करा और खास तौर पे बताया कि अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए। जी। वही अगर बात किया जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हालांकि आपकी कंटिन्यू रिपोर्टिंग हमने देखी है वहां से, जो बाहर अतिक्रमण है, जो एक्स्ट्रा जिन लोगों ने अपने घर के सामने ज्यादा सामान रख रखे थे, अतिक्रमण फैला, उन पे तोड़फोड़ हुई है, किस तरह के और जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है स्थानीय लोगों में, और किस तरह की अब आगे कार्यवाही की जाएगी इस पर? देखिए, आक्रोश तो सभी स्थानीय लोगों में खासतौर पे इसको लेकर भी है कि जो मकान पहले भी बने हुए थे, खासतौर अभी नहीं बने, एकाएक कोई मकान नहीं बनता है, लेकिन जो शोभा यात्रा को लेकर जिस तरह से वहां पर पथराव किया गया, राम भक्तों के ऊपर पथराव किया गया, जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से बता रहे थे वहां के लोग, ये लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे, कहीं उसमें कुछ शरारती तत्व लोग जो थे उसमें शामिल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये विवाद ऐसा बढ़ जाता है कि एक खूनी संघर्ष में बदल जाता है। मैं बात करूं अगर वहां के जो लोग थे ठेली रेड़ी पटरी वाले खासतौर पे, तो उनका भी खासतौर पे कहना है कि उनका काफी नुकसान हुआ है, और जो वहां पर उड़दंग मचा रहे थे लोग, जो वहां पर भय का माहौल पैदा कर रहे थे, उन लोगों ने खासतौर पे उन रेड़ी छोटी पटरी वालों को तक नहीं बख्शा। खासतौर पे अगर बात की जाए कि मुस्लिम समुदाय की, तो मुस्लिम समुदाय खासतौर पे आरोप लगा रहा है हिंदुओं पे कि इन लोगों ने उपद्रव पहले मचाया था, लेकिन दोनों पक्षों में अब इस समय जांच चल रही है। पहली बात तो पूरी एक टीम गठित कर दी गई है इस पूरे मामले को लेकर, और जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है कहीं ना कहीं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सभी जो अवैध तरीके से निर्माण कार्य जो यहां पर बने हुए मकान है उनको लेकर, खास तौर पर देखा जाए तो दिल्ली भी अब उसी मुआयने पर नजर आ रही है कि दिल्ली में भी बुलडोजर। जी प्रवीण, वहीं पर कई लोग ऐसे भी हैं जहांगीरपुरी अगर इलाके की बात की जाए तो, सबसे पहले जो मस्जिद है जहां से पत्थरबाजी हुई थी बुलडोजर उस पे चला था, कई लोग ऐसे भी हैं जिनका यह कहना है कि लगभग 20-25 साल से वहां रह रहे हैं, अपने दस्तावेज भी उन्होंने दिखाए हैं, उसके बाद भी उनका तोड़ा गया, तो क्या इसमें कुछ अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में ले सकती है? जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पे बहुत अहम फैसला, क्योंकि अभी ये विचाराधीन हो चुका है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन चला गया है मामला, और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उस पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और जहां तक नगर निगम जो उस समय बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा दी गई है। और बात करें मस्जिद की, जहां से पथराव
पत्थरबाजी शुरू हुई थी उस मस्जिद का बताया जा रहा है कि मस्जिद अवैध रूप से अवैध तरीके से बनाई गई थी और ये जमीन कब्जा करके ही बनाई गई थी, इस वजह से उस पर बुलडोजर चलाया गया। जी जी बिल्कुल प्रवीण, अब हम सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अलीगढ़ से, जहां लगातार धार्मिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सासनी गेट इलाके का है, जहां कुछ अराजक तत्वों पर पत्थरबाजी का आरोप लगा है। इस घटना में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल पुलिस उस मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ था आपके साथ? बयान कर रहा था, क्या बोल रही हो आप? मुझे मार दिया पर मैं लड़ना नहीं जाता हूँ। कितने लोगों ने मारपीट की? एक आदमी था, बगे सब में तीन चार आदमी थे, मैं नाम से पर्स नहीं हूँ। तो बहन कर रहे थे? थाना सासनी गेट अंतर्गत दो पड़ोसी के बीच झगड़े की सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची है और प्रातःकाल में ही जो इसमें जो चोटिल पक्ष बताया गया था, जिसको आंशिक चोटी थी, उसका मेडिकल कराया गया। उसकी तहरीर पर विधि सम्मत रूप से FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। वहीं जो आक्रामक पक्ष था, उस व्यक्ति को वहीं पर गिरफ्तार कर दिया गया है। मौके पर पूर्ण शांति। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस